अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय सना सफिनास। सना सफिनास का वेलवेट कलेक्शन है ये, और हमने इसको कस्टमाइज स्टिच किया है लार्ज साइज में विद सम चेंजेस। लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, शुरू करते हैं सबसे पहले एम्बेलिशमेंट से। इसकी एम्बेलिशमेंट्स कुछ इस तरह से की हैं हमने। एक्चुअली सबसे पहले तो चेंज किया है हमने इसके साथ, जो उन्होंने एक पर्पल सा बॉर्डर दिया हुआ था जो हमारे क्लाइंट को नहीं चाहिए था। देन हमने एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा बॉर्डर लिया है, इसको डाई करवाया है और इसको यहाँ से अप्लिक करवाया है। फिर एक सेकेंड बॉर्डर है जो यहाँ से अप्लिक हुआ है। दो बॉर्डर्स हैं जो अप्लिक हुए। उसके बाद इसके एज पर जो है ये गोल्ड क्रिस्टल्स हैं, पर्पल क्रिस्टल्स हैं, एंड देन मेटल के ये कॉइन्स हैं। और ये मेटल वाले कॉइन्स हैं और ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद शर्ट में ये जो है हैंड वर्क है, कुछ क्या कहते हैं डोरी वर्क है इस तरह से हुआ हुआ। और क्योंकि वेलवेट है, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं की हमने इसके साथ। गला इसका आई थिंक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी गले की। इसके गले पर जो है हमने एक, अच्छा जी, गला जो है आई थिंक इसके ऊपर ही बना हुआ था क्योंकि आप लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, स्टिच होने के बाद याद भी नहीं होता। और इस पर जो है हमने एक थिन क्रोशिया की लेस डाई करवा के लगाई है। और गला इसका एक्चुअली, एक तो इस वक्त मेरे पास एनले कार्ड नहीं है, ये वेलवेट है तो ये थोड़ा सा अच्छा, इसको थोड़ा सा वो किया है लाइक आई थिंक कट किया है, तो ये ऐसे देखने में लग रहा है जैसे झोल आ रहा है, बट ये पहन कर सही लगेगा। उसके बाद है इसकी बेल स्लीव्स। बेल स्लीव्स में ये वाला बॉर्डर दिया हुआ था, इसको अप्लिक करा है यहाँ से। देन ये वाला बॉर्डर जो कि हमने दामन पर लगाया है, ये वो किया है क्या कहते हैं, अप्लिक हुआ है यहाँ से। एंड स्लीव्स पर भी वैसे ही एम्बेलिशमेंट जैसे दामन पर हैं। और उसके बाद है इसका बैक। बैक पर भी वही पर्पल ऑर्गेन्जा बॉर्डर जो है, जो हमने खुद ही डाई करवाया है, और इस पर बड़ा ज़बरदस्त कलर भी आ गया है। और खैर ये प्योर होता है, इसको भी डाई करवा के यहाँ से अप्लिक हुआ है, यहाँ से सिलाई के साथ लगा है। एंड देन ये सारे इसके एम्बेलिशमेंट जैसे फ्रंट और बैक पर हैं, और अंदर की साइड जो है इसके सेम, जो क्योंकि हमेशा मैं बताती हूँ ये पैंट के कलर का जो है फैब्रिक है, इसको अंदर लगा के और तुरपाई की है पलटा लगा के। ओके, उसके बाद है इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। दुपट्टा जो है थोड़ा सा डीप पर्पल है। अच्छा, आते हैं इसके जो है पल्लू पर मेटल के ये वो लगे हैं, कॉइन्स लगे हैं, तो इससे जो है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। एंड देन ये दो कलर के टसल्स लगे हैं, एक जो एम्ब्रॉयडरी जो ऑर्गेन्जा वाला कलर है, एंड एक जो है ग्रे कलर जो वेलवेट का है। और फिर इसके बाद हमने अंदर इसके साइड ऑल साइड पे अंदर इसके पर्पल कलर का कॉटन सिल्क का फैब्रिक लगा के देन इसको अप्लिक करवाया पूरे स्कैलप इसके साथ पल्लू पर। ये मैंने एक्चुअली डबल किया हुआ है पल्लू पर, अच्छे खासे वजनी हो गए पल्लू क्योंकि वो है क्या कहते हैं, अच्छा, और दुपट्टे भी लॉन्ग साइड पर जो है ये क्या कहते हैं क्रिस्टल्स हैं दो कलर के, पर्पल एंड गोल्ड। ये है इसका दुपट्टा। अच्छा, दुपट्टे के ये बंच जो हैं आई डोंट रिमेम्बर कि ये एप्लिक हुए हैं या इसके ऊपर बने हुए थे, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करनी पड़ेगी। हाँ, पल्लू जो है वो एप्लिक हुए हैं पूरे, और जस्ट लॉन्ग साइड पे इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, पल्लू ये पूरा यहाँ से एप्लिक हुआ है। और उसके बाद है इसका ये रॉसल का कलर ट्राउज़र। इसको जो है हमने बेल बॉटम प्लाजो बनाया है, थिन सेंटर लेस इसके साथ की डाई करा के, और उसके साथ बेल बॉटम प्लाजो बनाया है। सो दैट्स इट। काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है ये, और इस कलेक्शन के सारे ही बहुत अच्छे हैं। एक दो और लेकिन काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, एक दो और जो हैं वो स्टिच हो रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी वीडियो भी जल्दी शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।